बल्लार शाह का स्वागत गेट चढ़ा, भ्रष्टाचार की भेंट। 2,35,00,000 की लागत से बने हुए स्वागत गेट के पुर्जे हुए तितर बितर। बनाने के 3 महीने में ही गेट का हुआ पंटाधार। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग की ओर से बल्लार शाह में निर्माण किया हुआ स्वागत गेट पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही गेट निर्माणाधीन कार्य में पल पल की जांच में जुटे प्रशासन के आला अधिकारियों पर भी अब शंका की सुई घूम रही है। 2,35,00,000 रुपए की लागत से बने स्वागत गेट के निर्माण कार्य में खराब सामग्री का इस्तेमाल होने से गेट में जगह जगह से दरारें पड़ चुकी है। सीमेंट और लोहे के पिल्लर पर खड़े स्वागत गेट में POP के माध्यम से सौंदर्यीकरण का काम किया गया है, जिसकी लागत 2,35,00,000 रुपए आकी गई है। गेट के सौंदर्यीकरण में पिल्लर के चारों दिशाओं में लगाए हुए पिल्लर अब खिसकने के कगार पर है। गेट पूरी तरह से अब खोखला नजर आ रहा है। चांदा से बांदा इस निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विभाग मुंबई की ओर से चंद्रपुर जिले के बल्लार शाह में 2 स्वागत गेट का निर्माण अग्रवाल ठेकेदार के माध्यम से किया गया है, जिसका बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया गया था। 2 स्वागत गेट के लिए 2,35,00,000 रुपए की निर्धारित राशि तय की गई थी, जिस पर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 स्वागत गेट के लिए करीबन 1,17,00,000 रुपए का खर्चा सरकार के तिजोरी पर गिरा होगा, जिसका सीधा सा मतलब यह भी है कि ये राशि हमारे और आपके टैक्स से ही खर्च की गई होगी। जरा सोचिए, जहां एक गेट जो सिर्फ रोड की एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर 2 पिल्लर के सपोर्ट से खड़ा है, उसकी लागत 1,17,00,000 रुपए है। वही हम एक घर का निर्माण करते हैं तो उसकी लागत महज 20,00,000 से 30,00,000 होती है। 1 करोड़ की लागत में हम आलीशान महल का निर्माण कर सकते हैं। चांदा से बांदा निधि से महाराष्ट्र पर्यटन विभाग की ओर से निर्माण किए हुए 2,35,00,000 के स्वागत गेट की अब उच्च स्तरीय कमेटी की माध्यम से जांच होने की मांग जोर पकड़ रही है। टीम VL24 न्यूज़।